कभी भी आपको टोटल हैंडशेक निकालने हो तो सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास NC2, जो ये है आपका 3 की पावर 2015, इसका रिमाइंडर वही होगा जो 3 की पावर 3 का होगा। एंगल निकालने के लिए 30H-11/2m। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लो इंडिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबी ने इस साल 2000 वैकेंसीज निकाली है, तो पिछली वीडियो में प्रदीप सर ने आपको बताया होगा कि हमें आईबी का एग्जाम कैसे क्रैक करना है, इस पे क्या स्ट्रेटजी लगानी है। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस की, देखते हैं कि आपको कैसे डील करना है उन क्वेश्चंस पे। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 80 मोबाइल्स की। तो 80 × 30,000, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 लाख। ठीक है, ये हो गया आपके पास 80 मोबाइल्स की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आपके पास 24 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट 78 मोबाइल्स की। 78 की क्यों, क्योंकि आपके हाईएस्ट प्राइस के मोबाइल और जो लोवेस्ट प्राइस का मोबाइल है वो सोल्ड हो गए है। अगर दो मोबाइल सोल्ड हो गए तो बचे कितने, 78 का एवरेज प्राइस दे रखा है आपको 29,500। तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, 78 × 29,500। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपकी इसकी कितनी आ जाएगी, 23,010,000, कितना आ जाएगा, 23,000,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर देता हूं, मतलब टोटल 80 मोबाइल की कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट 78 मोबाइल की माइनस कर देंगे, तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपके पास 99,000। तो ये 99,000 होगा जो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मोबाइल के फोन्स का इकट्ठा वैल्यू होगी। और आपको गिवन है कि कॉस्ट प्राइस कितना, हाईएस्ट मोबाइल का 80,000 है। अगर 80,000 हाईएस्ट मोबाइल का कॉस्ट है तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 19,000। तो लोवेस्ट मोबाइल का कॉस्ट कितना हो जाएगा मेरे पास, 19,000। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये है आपका हैंडशेक का क्वेश्चन। हैंडशेक आपको पता है कि हाथ मिलाते हैं, तो इसमें जब भी आपका हैंडशेक का क्वेश्चन होगा तो आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा, आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा, कॉम्बिनेशन। ठीक है, हैंडशेक के क्वेश्चन में हमेशा आपका कॉम्बिनेशन यूज होगा, और ये होगा NC2। इससे आप निकाल सकते हैं कि टोटल हैंडशेक कितने हुए हैं आपके। ठीक है, कभी भी आपको टोटल हैंडशेक निकालने हो तो सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास NC2। अब ये NC2 को सॉल्व कैसे करते हैं, N·2·N-2। ठीक है, n की वैल्यू आपको पता है कितनी, कितने नंबर ऑफ पीपल है आपके पास, 10। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल सर, 10·2·10, 10 में से 2 गया, 8·, कोई दिक्कत नहीं है। 10 फैक्टोरियल को हम ब्रेक कर लेंगे 10 × 9·2·8·8, कोई दिक्कत नहीं है। 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 5 = 10, 5 × 9 = 45। तो आपके पास कितने हैंडशेक हो गए टोटल, 45। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आपको क्या वाई का मान ज्ञात करना है, क्या गिवन है कि 56% किसका, वाई का कितना है, 182। ठीक है, आपको गिवन है 56% वाई का 182 है, तो यहां से वाई का मान कितना होगा आपके पास। तो देखो, 14 × 4 = 56, 14 × 1 = 14, और ये कितना बच गया, 14 × 3 = 42, कितना आ गया आपके पास, ये 13 पे कैंसिल हो गया, 4 × 1 = 4, 2 × 8 = 4, 5 = 20। तो ये कितना आ गया वाई का मान आपके पास, 13 मल्टीप्लाई
25 दिए 75, 7 25 से कम 25 और 7 32, आंसर आ गया आपके पास 325। तो आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 325। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपके पास क्लॉक में। पहले बात करते हैं आपकी क्लॉक की, क्लॉक क्या होती है आपके पास, मान लो ये घड़ी है, ठीक है, टाइम कितना गिवन है आपके पास, 5:30, मतलब 5:30 बजे हैं, 5:30 बजे आवर एंड और मिनट एंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो क्लॉक में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, सिर्फ एक ही यूज है एंगल निकालने के लिए, 30h-11/2m। इससे आप कोई कितनी भी घड़ी का कोई सा भी एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आवर आपको पता है कितना टाइम है आपके पास, 5:30 बजे, आवर कितना है 5, मिनट कितने हैं 30, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 30×5-11×30/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 30×5=150। ठीक है, ये कट गया आपका 15 पे, 11×15 कितना हो गया आपके पास, 165। देखो बच्चों, ये सारी वैल्यू आपकी मोड में होती है। ठीक है, मोड का मतलब क्या होता है, जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो 150 में से 165 गई, कितना बचा आपके पास, 15 -15, और मोड से ये क्या हो जाएगा आपका 15, तो आंसर आ गया आपके पास 15 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास ब्लड रिलेशन से, आपके पास ये क्वेश्चन, ए इज द सन ऑफ क्यू, ए क्या है आपके पास, सन है, सन मतलब जेंडर हो गया आपके पास मेल, जनरेशन चली गई, अब क्यू, ए इज द सन ऑफ क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, क्यू एंड वाई क्या है, बहने आपस में, यानी दोनों के जेंडर क्या हो गए आपके पास, फीमेल, क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, जेड इज द मदर ऑफ वाई, वाई की मदर कौन है, जेड, जेड इज मदर ऑफ वाई, जेड इज मदर ऑफ वाई, पी इज द सन ऑफ जेड, जेड का एक सन है पी, यानी ये सेम जनरेशन में आ जाएगा क्यू एंड वाई के साथ। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, चलो बात करते हैं हर एक स्टेटमेंट में। आपका ऑप्शन ए है, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, देखो भाई पी अंकल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव के साथ रिलेशन है, इसका मतलब मैटरनल अंकल है, किसका, ए का, तो ये ऑप्शन हो गया आपके पास सही, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन ले लिया आपने, मान लो x अपॉन वाई, ये आपकी फ्रैक्शन है, ये आपका होता है न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, न्यूमिनेटर को हमने इंक्रीज कर दिया 60%, यानी जो x है, ठीक है, उसको हमने इंक्रीज कर दिया 60%, कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई हो गया इंक्रीज, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही इस सेम डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया 7%, तो y है 60% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया तो मतलब 40% रह गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 41, 44 कितना हो गया, ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 4x/y। चलो क्या बात कर रहा है, अब ये द न्यू फ्रैक्शन इज, जो नया फ्रैक्शन आया, ये आपका आ गया नया फ्रैक्शन, वो क्या है आपका, 4 गुना है ओल्डर फ्रैक्शन से। मान लो हमने क्या माना था, ये x by y आपका ओल्ड फ्रैक्शन है, और ये कितना गुना हो गया, 4 गुना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट डिजिट फाइंड करनी है आपको 3×2015। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखना सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि इसकी साइकिल क्या है, साइकिल कैसे फाइंड करते हैं, 3×1 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3×4 81, 3×5 243, 3×6 729, ऐसे चलते चले जाएंगे, तो आपको देखो एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, इसमें यूनिट प्लेस पे 3, 9,
सेवन वन, इसके बाद थ्री नाइन सेवन वन, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर चार साइकिल बाद ये रिपीट कर रही है, तो इसकी साइकिल कितनी हो गई मेरे पास, फोर साइकिल हो गई। आफ्टर फोर साइकिल ये जो आपकी डिजिट है थ्री नाइन सेवन वन हमेशा रिपीट करेगी, तो हमारी थ्री की साइकिल हो गई आपकी फोर साइकिल, ठीक है। तो आप बात करते हैं इसकी, आपके पास थ्री की पावर है 2015, तो हमारी आपको पता है कि ये चार साइकिल में वापस रिपीट कर देगा, तो हम क्या करते हैं 2015 को फोर से डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो आएगा डिवाइड करने का रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास थ्री। इसका मतलब क्या हो गया, जो ये है आपका थ्री की पावर 2015, इसका रिमाइंडर वही होगा जो थ्री की पावर थ्री का होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चार के बाद आपकी साइकिल रिपीट कर रही है, हमने डिवाइड कर दिया और ये रिमाइंडर आ गया मेरे पास थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्री की पावर थ्री क्या हो गया आपके पास 27, तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आपके पास 7, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे डी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली स्लाइड, आपका लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, रीजनिंग का है, आपका ये एक अरेंजमेंट है लीनियर अरेंजमेंट, देखते हैं। आपके पास क्या है, फाइव डिफरेंट हाउस है ए से लेके ई तक, ठीक है, इन अ रो, किसी एक रो में, मान लो एक रो है आपकी एक दो तीन चार पांच, पांच हाउस है, बट आपको पता नहीं है ये हाउस कैसे हमें प्लान करने हैं। देखना भाई, ए इज द राइट ऑफ बी, ए इज द राइट ऑफ बी, ए इज द राइट ऑफ बी, ठीक है। चलो देखते हैं, बी के राइट में ए है, बट हमें इसकी लोकेशन नहीं पता, या इसे हम ये नहीं कह सकते कि कितना राइट है, ये सेकंड राइट भी हो सकता है, थर्ड राइट भी, फोर्थ राइट भी, बट हमें इतना जरूर पता है कि ये हमेशा राइट रहेगा, ठीक है। देखो अगर सबकी फेसिंग हम एक ही साइड ले लेते हैं, नॉर्थ फेस करते हैं, तो ये पॉइंट आपका क्या होगा, हमेशा लेफ्ट होगा, और ये होगा आपके पास राइट, ठीक है। तो इस साइड जाते वक्त हमेशा राइट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, ए इज टू द राइट ऑफ बी, मतलब बी के राइट में ए है, ठीक है। एंड इज द लेफ्ट ऑफ सी, इज द लेफ्ट ऑफ सी, यानी सी के लेफ्ट में कौन है, ई है, सी के लेफ्ट में ई है। एंड राइट ऑफ ए कौन, ई, ई इज द राइट ऑफ ए, यानी ए के राइट में कौन है हमारा, ई है, ए के राइट में कौन है, ई है। और आपको पता है कि इससे पहले की बात करेंगे कि ई इज द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी कहां आ जाएगा मेरा यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया बी ए ई सी। आगे चलेंगे, बी इज द राइट ऑफ डी, बी द राइट ऑफ डी, डी के राइट में बी है, तो डी के राइट में बी क्या आएगा आपका, ये हो गया डी के राइट में बी है, तो आपके पांचों हाउस जो है अरेंजमेंट में आ चुके हैं, तो ये क्या हो गया आपका डी बी ए ई सी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द हाउस इज इन द मिडल, तो मिडल में आपका कौन सा हाउस है, ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको डील करने हैं आईबी के लिए, क्रैक करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद पढ़ लो इंडिया।